चार नए विभाग बनाए हमने, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डाटा डिपार्टमेंट, क्रेड, जो ये हमारा जो फैमिली आईडी का सारा विषय चल रहा है ये क्रेड के अंतर्गत ही चल रहा है, और आगे जितने भी वेरिफिकेशन होंगे वो सब क्रेड के अंतर्गत ही होंगे। फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, पहली बार फॉरेन का डिपार्टमेंट कभी केंद्र सरकार ने बनाया नहीं था, उन्होंने कहा नहीं फॉरेन में भी स्टेट्स को सीधा डील करना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या हमारे यहां के लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं उनको तैयार करना, उनको सुविधाएं देना, फॉरेन डेलीगेशन आते हैं उनसे बातचीत करके इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना, या हरियाणा से कोई बाहर जाकर काम करना चाहे उसको फैसिलिटेट करना, तो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया। हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि हर सिर पर हर परिवार के ऊपर एक छत होनी चाहिए, उसका घर होना चाहिए, तो प्लानिंग से अभी तक ये एक विषय बहुत सरकारों ने पहले भी लिया होगा, कभी 100 गज के प्लॉट की बात है, कभी और कोई विषय आए हैं, लेकिन ठीक उसका अध्ययन करके जिसको चाहिए उसको हम दे नहीं पाए हैं। इसका एक क्रेडिट के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि किसका अपना परिवार का घर है, किसका अपना घर नहीं है। जिसका घर नहीं है अगर वो सामर्थ्य है तो अपने आप बनाएगा, सामर्थ्य नहीं है तो सरकार और बैंक से उसकी सहायता कराएंगे, केंद्र सरकार की भी सहायता लेंगे। ऐसे ही एमएसएमई हमने अलग से विभाग बनाया, उद्योग में रोजगार के नाते हम ज्यादा रोजगार कैसे पैदा करें, और एमएसएमई में बहुत रोजगार होता है, तो इस विभाग को अलग बनाने की आवश्यकता महसूस की गई, तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई में केवल इंडस्ट्री नहीं है, इसमें हर प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें दुकान भी शामिल है, कोई किस प्रकार का सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट की स्कीमें होती हैं वो भी उसमें शामिल हैं, सर्विसेज भी शामिल हैं, तो इन सब चीजों को उसमें जोड़ा गया है एमएसएमई में।